नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था GDS के बारे में, कि GDS की एक नया नोटिस आया है, जिसमें दोबारा से नोटिस जारी किया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था GDS के लिए, वो दोबारा से आपका कट ऑफ आएगा। लेकिन आप कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कई यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं कि दोबारा कट ऑफ आएगी। हमने भी थोड़ा सा कस्टमर केयर जो उसका था, कस्टमर केयर वगैरह जो स्टेट वाइज था, उनसे बात करके देखा था, सुना था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि कट ऑफ दोबारा निकलेगा आपका। जो भी कट ऑफ में दिक्कतें आई हैं, जो भी परसेंटेज, जैसे 100% या 100 अबव दिखाया गया था स्टेट बाई स्टेट, उसको दोबारा से निकालेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना वीडियोस में, कि यहाँ पे धांधलेबाजी चल रही है। क्योंकि आप खुद देखिए कि ये एक गवर्नमेंट जॉब थी एक तरीके से, और यहाँ पे वैकेंसी निकली थी, और यहाँ पे गवर्नमेंट एक फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, जिसमें 10th पास के लिए लिया गया था। तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो फॉर्म निकला था, तो कभी भी आपने ये चीज़ नहीं देखा होगा कि जो भी हम गवर्नमेंट में कोई फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं, उसमें कभी गलत चीज़ें निकलती हैं, कोई PDF वगैरह या रिजल्ट्स वगैरह। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट्स भी गलत निकल रहा है। जो भी आपकी लिस्ट वगैरह निकली है, मेरिट लिस्ट है, जो भी कट ऑफ है, वो गलत निकली, ये दिखा रहे हैं गलत निकाला गया है। तो ये गलत निकाला गया, ठीक है, मैं मानता हूँ गलत निकाला गया, हमें भी लग रहा है कि गलत है, हर कैंडिडेट्स के साथ में गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी 100% सच है कि अभी भी जो भी कट ऑफ निकलेगी, वहाँ भी सिर्फ पैसे वालों का ही सिलेक्शन होना है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि 60-70% वालों का कट ऑफ निकलेगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये अगर जाएगा भी तो 95 जाएगा, 97 जाएगा। और ये भी हर स्टेट का नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट का नोटिस दोबारा से निकलेगा और 60-70% 80% वाले लगेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपने सेटअप में, डेस्कटॉप पे जो भी मैं सर्च मारते हैं, दिन से GDS जब से इसका अप्लाई हुआ है और जब से इसके मतलब रिजल्ट्स वगैरह निकले, कट ऑफ निकले, तब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे और इस वेबसाइट पे, GDS की वेबसाइट पे, कि ये भी जो भी कट ऑफ निकल रहा ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 95 से अबव ही जाएगा। अब ये नहीं कह सकता कि 96 जाएगा या 97 जाएगा या 98 जाएगा, लेकिन 95 से अबव जाएगा। क्योंकि आप पिछले साल की भी देख लीजिए, एक दो तीन साल का रिकॉर्ड देखिए पिछले 2-3 सालों का, तो वहाँ पे भी 93, 94, 95, 96 गया है। लेकिन अब की क्या था कि गवर्नमेंट्स बोल रही थी कि अब की ज़्यादा भर्तियाँ निकली थी, 38,926 कुछ ऐसे वैकेंसी निकली थी। तो इसमें था, आशा थी कि लड़के लड़कियाँ यहाँ पे लग जाए, 60-70% वाले लग जाए। हमारे भी, मैं भी हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे भी यहाँ स्टेट से, मेरे भी कॉलोनी, गांव, सेक्टर, एरिया से कई बंदों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जो मेरे कैफ़े पे आते हैं, जिन्होंने मेरे को बताया था। लेकिन उनका भी एक आसरा था कि आपकी हो जाए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, वैकेंसी ज़्यादा थी, सीटें ज़्यादा थी, तो शायद हो जाता। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, ये नोटिस वगैरह निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब की बार धांधलेबाजी हुई है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये घुसखोरी चल रही है ना पैसों की आजकल, वो भी यहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, जो भाई, जो भी कैंडिडेट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, शायद किसी को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि यहाँ भी पैसों वाले का ही सिलेक्शन होगा। अब ये नहीं पता कि कौन पैसा देगा, कितना क्या होगा, क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए लिस्ट के, जैसे लिस्ट निकल रही है 100%, 99%। भाई मैंने भी 10th की थी 2010 में, मेरे खुद के 75% हैं, पढ़ाई करके खूब मेहनत करी थी, कोई फैमिली का कोई जोर नहीं था उस टाइम पे कमाने धमाने का, यंग एज थी, 15 साल उम्र थी मेरी 10th में। लेकिन क्या हुआ, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी 75, HBSC हरियाणा बोर्ड से ही मैंने 10th की थी। हाँ, हालांकि 80% भी आए थे लोगों के, 84% भी आए थे, 85 भी आए थे, 90 तक भी गए होंगे, 92, 93 गए होंगे, लेकिन 100% मैंने कभी किसी का नहीं सुना। मेरे स्कूल में भी नहीं आए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं आते जल्दी, एक आध दो बंदों का आते। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था फरीदाबाद का डेस्कटॉप पे, मैंने देखा अपने डेस्कटॉप पे कि
फरीदाबाद के जितने भी एससी कैटेगरी है, चाहे जनरल कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, चाहे जो भी है ईडब्ल्यूएस है, सबके 100%। इतने सारे टॉपर्स कहाँ से आ गए? सबके 100% कहाँ से आ गए? अगर कोरोना में भी अगर प्रमोट किया है तो 100% नहीं देना चाहिए था गवर्नमेंट को। सबसे पहले गवर्नमेंट ने गलती तो ये करी कि 100% दिया है, बंदे क्यों मेहनत करेंगे जब आप बंदे को प्रमोट कर रहे हो। जहाँ पर आदमी मेहनत करके फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से लाता है, वहाँ पे तुम 100% दे रहे हो लोगों को, 10 CGPA दे रहे हो CBSE वालों को, ये गलत कर रहे हो। आप बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चे खुश हो रहे हैं कि हमारे अच्छे परसेंटेज आ गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या उनका पढ़ाई से नाता टूटता जा रहा है। उनको लग रहा है लॉकडाउन में पास हो गए, कॉलेज वगैरह का भी यही है आजकल, देख ही रहो आप लोग की फीस भरो, अपना जॉब करते रहो, चीटिंग वगैरह होगी, पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बंदे इस चीज़ में खुश हैं लेकिन गलत चीज़ है। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, अच्छा एजुकेशन की बात करता हूँ मैं। जैसे आप लोग जैसे फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो, मतलब ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, एक मतलब जो कैंडिडेट्स की लाइफ में चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी चला होगा, कहीं ना कहीं आप लोग की भी लाइफ में चलता आया होगा कि आप लोग मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, 10th करते हो, 12th करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, टेक्निकल करते हो, ITI करते हो, डिप्लोमा करते हो, BTech करते हो, MBA करते हो, BBA करते हो, BCom करते हो, BSc करते हो, आप कोई भी ग्रेजुएशन या टेक्निकल लाइन से डिग्री, मास्टर डिग्री वगैरह करते हो, लेकिन आप लोग को जॉब नहीं मिलती है। अब सबसे मेन बात तो ये कि लॉकडाउन से कोई भर्ती निकल नहीं रही, पहले जैसे तो जॉब नहीं गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वहाँ भी जग जुगाड़ है। किसी का कंपनी में रिलेशन है, रेफरेंस है किसी का, तो उस कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में आप लग जा रहे हो, कोई एकाध लग पा रहा है, बाकी 10 बंदों में से एक बंदा लग रहा है उसका अंदर से नाम आ रहा है, बाकी 9 बंदे गेट पे से चले जा रहे हैं डिग्री लेके। तो कुछ तो शिक्षा की वैल्यू कम हो गई, शिक्षा के संग खिलवाड़ किया गया, बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी के कारण भाई घर में पैसे कमाने हैं, बच्चा सेल्फ स्टडी क्यों कर रहा है, कल वो पढ़ लिख के भी कमाना है, तो कहीं ना कहीं क्या रोजगार भी मारे जा रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे जाते हैं प्लेसमेंट वालों के पास में जाते हैं, सर मेरी जॉब लगवा दो, वहाँ भी अब कमीशन चलने लगा है, कमीशन दो, GST दो। अरे किस बात की GST भाइयों, ये बताओ किस बात का कमीशन? पढ़ाई की हम लोगों ने अपने लिए, मेहनत की अपने लिए, पैसा खर्च करा हमारे माँ बाप ने, और डिग्री लेकर डोल रहे तब भी जॉब नहीं मिल रही। कंपनी वाले कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, अरे भाई लगाओगे तभी तो एक्सपीरियंस बनेगा, तभी तो हम दूसरी कंपनी में एक्सपीरियंस दिखाएंगे, नहीं तो हम आपके पास भी फ्रेशर थे, दूसरी कंपनी में फ्रेशर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के साथ में, बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा कहना तो यही है कि पढ़िए, उससे ज़्यादा क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या स्कूल क्लासेस कर रहे हो, लेकिन क्या है कि टेक्निकल नॉलेज लीजिए, जितना ज़्यादा ले सको आप लोग। उसके बाद में मैं तो यही कहता हूँ कि अपना बिजनेस कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो अदर कंट्रियाँ ज़्यादातर बिजनेस में, मार्केटिंग लाइन में, MLM लाइन में, डिजिटल मार्केटिंग में, शेयर मार्केटिंग में, या कोई भी अदर फील्ड की वो है उसमें है। तो आप लोग भी इस चीज़ में नॉलेज बढ़ाइए, कंपनी में कुछ नहीं रखा है, फॉर्म वगैरह निकल नहीं रहे, क्या करोगे, बेरोजगार डोलोगे। तो मेरी बात से जो भी सहमत हो, बाकी हाँ GDS की बात रही तो मैंने आपको सच्चाई बता दी है। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी बात कैसी रही, और जो मैंने आपको बताया था ये कि एक कैंडिडेट्स की जो मतलब एक लाइफ लाइन होती पढ़ाई से लेके जॉब तक, वो मैंने सच्चाई बताई है। परेशानियाँ हैं, ऐसी परेशानी आ रही कई कैंडिडेट्स का, मेरे साथ भी आई हैं, इसलिए आज मैंने अपना सेटअप बना रखा, CSE सेंटर खोल रखा है। और आप लोग को ये मैंने YouTube चैनल इसलिए नहीं बनाया है पैसे कमाने के लिए, ये YouTube मैंने इसलिए चैनल बनाया कि इसमें अगर मान लो कोई जैसे कि मान लो कोई नई नोटिफिकेशन आई जॉब वगैरह के लिए या कोई भी चीज़ आई, तो उसको आप लोग तक पहुंचाना मेरा काम है, वरना पैसे तो मैं कमा रहा हूं। छोटे मोटे पैसे मेरे आ रहे हैं CSE सेंटर से, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, कुछ नॉलेज लीजिए। और मेरा कहने का मतलब यही था, नॉलेज जो मैं आप लोग बता रहा था कि पढ़ाई बाद में अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज बनाइए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं आप कोई काम वो कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ।
और किसी की धोखाधड़ी में मत फंसिए। कोई कहता मैं पैसे दे दो, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आप लोग देखते हो कुछ नहीं हो रहा आज के टाइम में। बाकी भैया रब है, वो देखेगा, मेहनत कीजिए। लेकिन एक बात है कि लाइफ में कभी भी परिश्रम मत छोड़िए। फॉर्म नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके साथ नॉलेज स्किल स्किल जरूर चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज की स्किल जरूर लीजिए। कंप्यूटर कोर्स कीजिए पढ़ाई के साथ साथ में, ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल चाहे डिग्री वाला हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे 10th 12th हो, आप कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हो कंप्यूटर के बारे में ज़रूर पूछ रहे हैं, कंप्यूटर में आपको क्या आता है, बेसिक नॉलेज पूछेंगे, टैली वगैरह आती नहीं आती है वो पूछेंगे, इसके बाद में आपको प्रोग्रामिंग आती है वो पूछेंगे, बिल परचेस का काम आता है वही पूछेंगे, अकाउंटेंट्स का काम आता है वही पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज में पढ़ते नहीं हैं, बाद में पछताते हैं। अब पढ़ाई हम प्रमोशन ले रहे हैं लॉकडाउन में, और फॉर्म के लिए हम सोच रहे हैं कि फॉर्म वाले गवर्नमेंट फॉर्म निकले, अब गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं निकल रहा, पढ़ाई भी हमारी ऐसी जा रही है बड़ी मुश्किल से, सिर्फ पेपर दे रहे हैं पास हो जा रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सामने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, हम चेहरा देखते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं ऐसे करके, सर नहीं आता, कैंसिल हो जाते हैं, फिर हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा एजुकेशन में कमी है, तो खुद से मेहनत कीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए, कॉलेज में भी वही पढ़ाई, स्कूल में भी वही पढ़ाई है, और कंपनी वाले लेने के नहीं, गवर्नमेंट फॉर्म निकल नहीं रहे, तो बताइए क्या करोगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, खुद का काम सीखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस कर सको। बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में, कई बार क्या होता है कि शिक्षित लोग क्या होता है इस घमंड में रह जाते हैं, कोई मान लो बीटेक है, वो कहेगा भाई मैं तो कंपनी में ये काम नहीं सीखूंगा, मैं डायरेक्ट कुर्सी चाहिए 50,000 की, तो भाई काम जब तक सीखोगे नहीं 50,000 तो आने के नहीं। कोई ग्रेजुएशन बंदा उसको एसी की हवा चाहिए, मैं तो अकाउंटेंट का काम करूंगा, अब अकाउंटेंट का काम तो आता नहीं है, और बीएससी क्या नाम है पैसे भर के आप लोग पेपर दे दे के पास हो रहे हो, तो कैसे करोगे। तो जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी से मान लो आप लोग डिग्री ले रहे हो, तो उसमें मान लो कि जो भी आपका टीचर्स का है तो उसका नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, जेबीटी वगैरह फॉर्म भरते हो, या आप मान लो एमएससी करोगे, या बीएससी आपका ये मेडिकल साइंस से होता है, तो कहने का मतलब ये कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू जो भी आपका, जैसा आप कोई फॉर्म में अप्लाई करोगे, भाई एक ड्रीम होता है कि भाई मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैं आईटीआई डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो भाई मुझे जेई बनना है, इलेक्ट्रिकल से करो मुझे जेई बनना, मैकेनिकल से करो तो मुझे जेई बनना है, यानी मैं टेक्निकल का बंदा हूँ। तो आप लोग ग्रेजुएशन से कोई बंदा बीए कर रहा है, भाई पुलिस में जाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए जितना ले सकते हो, डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए। फॉर्म निकलेंगे, अब निकलेंगे, कोरोना वगैरह ख़त्म हो गया है, अफवाह से बचें और नॉलेज लें, बस मैं यही कहूँगा। लेकिन जो GDS के बारे में जो मैंने वीडियो, जो मेरा मेन मकसद था GDS के बारे में, वो यही था कि जो भी कट ऑफ हम निकलेगी उसमें भी 95 अबव ही जाएगा। बाकी यूट्यूबर साहब लोग को दिखा रहे खुशखबरी, या हम लोगों ने बात की थी, लेकिन जो है ना 95% अबव ही जाएगा, तो किसी के झूठे जायसे में ना फंसें। मेरी बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और स्किल डेवलपमेंट करें, जितना भी आप लोग नॉलेज ले सकते हो आप लोग लें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें और खुद का बिजनेस करें भाई। बाकी लाइक कमेंट शेयर करके बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी।